अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वाइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि यूके गवर्नमेंट की जानिब से एक बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जो कि शेयर की गई है, ख़ास तौर पर तमाम तर अफराद के लिए जो कि यूके में आना चाहते हैं और यूके में सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि इंग्लैंड में जिन भी स्टूडेंट ने अपनी ग्रेजुएशन पिछले 5 सालों में मुकम्मल की है तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी जारी हुई है। जैसा कि वो इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन इंडिया से की हो या फिर किसी भी अपने होम कंट्री से आपने ग्रेजुएशन की है, तो वो इस वीज़ा में अप्लाई करने के अहल हैं। और मज़ीद, ये वीज़ा PSW की तरह का है और ये वीज़ा मई 2022 से शुरू हो जाएगा, और अब मई से इस वीज़े की एप्लीकेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मज़ीद, इस वीज़े में एप्लीकेशन की 2 कंडीशन हैं, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन, मास्टर या PhD कोई भी लास्ट डिग्री 5 सालों में ख़त्म हुई हो, और दूसरी चीज़ इसमें जो हाई रैंकिंग है UKVI की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो उसमें आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती हो। और मज़ीद, इस वीज़े के लिए आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। और मज़ीद, बैचलर और मास्टर वाले स्टूडेंट्स 2 साल के लिए ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने PhD की हुई है तो फिर 3 साल के लिए आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये इंग्लैंड गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई है, ख़ासतौर पर उन तमाम तर अफराद के लिए जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नई फैसिलिटीज़, नई अपॉर्चुनिटी यूके गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की गई है। आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।